चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, लोकल स्प्रेड होने के चांसेस हैं। कम्युनिटी स्प्रेड हो या ना हो, राइजिंग नंबर्स को हम कैसे मिटिगेट करें, कैसे कंटेन करें? अस्सी हजार बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख ट्रिपल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। लोगों को डराइए मत, आप काम करिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर चुका है। सब परेशान हैं, प्रदेश हैरान है, करें तो क्या करें, ये आंकड़े रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे? जो तैयारियां होनी चाहिए थी, क्या उस पैमाने पर तैयारियां हुई हैं? क्योंकि केंद्र रिपोर्ट इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं। टेस्टिंग के लिए क्यों लोग परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में एडमिट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यार सचमुच में हम कम्युनिटी संक्रमण के स्टेज में पहुंच चुके हैं, क्या हमारे अलग अलग प्रदेश तैयार हैं, अस्पतालों में कैसे इलाज चल रहा है, अगर न हो तो घरों में क्या किया जा सकता है, दवाई को लेकर क्या रिसर्च चल रही है, ये सारी जानकारी आपके लिए। कोरोना अब तक सावधान कर रहा था, अब कोरोना चेतावनी दे रहा है। चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, वहां पे लोकल कम्युनिटी ट्रांसमिशन या लोकल स्प्रेड होने के चांसेस हैं, क्योंकि तभी वहां पे इतने केस बढ़ रहे हैं। अब तक हम धीमे धीमे सधे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, अब आंकड़ों का ग्राफ भाग रहा है। 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। अब तक ये समझ आ रहा था किससे किसको संक्रमण हुआ, अब वो दौर भी हाथों से फिसल रहा है। आम जनता में ये एक अनसर्टेनिटी और एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है, पर मेरे हिसाब से हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कम्युनिटी स्प्रेड हो या ना हो, हमारे लिए प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इस राइजिंग नंबर्स को हम कैसे मिटिगेट करें, कैसे कंटेन करें। तो मैं ये मानता हूं कि कम्युनिटी वर्ड जो है, कम्युनिटी स्प्रेड, इसको पॉजिटिव वे में लेके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करनी चाहिए। गलियों में संक्रमण है, मोहल्लों में संक्रमण है, सरकारी दफ्तरों में संक्रमण है, सत्ता के गलियारों में संक्रमण है, पुलिस में संक्रमण है, पैरा मिलिट्री में संक्रमण है। ये संक्रमण काल जैसे एक अंधा कुआं हो गया है, कहां तक जाएंगे कोई नहीं जानता। आंकड़ों को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि हम संक्रमण के किस स्टेज में हैं? कम्युनिटी संक्रमण का मतलब क्या होता है, इस दौर से कितना दूर हैं हम, और इसमें बचाव के तरीके क्या बदल जाते हैं? क्या तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती है? दवाओं को लेकर रिसर्च कहां तक पहुंची है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद की वो कौन सी दवाइयां हैं जो इस समय आजमाई जा रही हैं? कोरोना का इलाज नहीं, फिर अस्पतालों में क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्या गंभीर नहीं होने पर घर में ही हो सकता है उपचार? दिल्ली और मुंबई का हाल बेहाल हो चुका है। दिल्ली सरकार ने तो आने वाले दिनों का जो आंकड़ा दिया है उसका बंदोबस्त ही मुश्किल लगता है। संक्रमण के इस रफ्तार से डर तो लगता है, पर डर कर कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती, जीती जाती है जानकारी से और सही बचाव से। दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन में रियायतें शुरू हुई और उसके बाद अनलॉक 1 तक हम पहुंचे, हमने देखा है कि संक्रमण की जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो चुकी है। क्या उस हिसाब से तैयारियां हुई हैं दिल्ली में? आंकड़े इसकी तस्दीक नहीं करते। बहुत सारे सवाल हैं जो दिल्ली को लेकर उठ रहे हैं, खासकर तब जब दिल्ली सरकार ने खुद इस बात पर कहा कि अगले 50 दिन में कोरोना बम का विस्फोट हो सकता है दिल्ली में। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केजरीवाल सरकार ने अगले 50 दिन का जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार 15 जून तक 44,000, 30 जून तक 1,00,000, 15 जुलाई तक 2.25 लाख और 31 जुलाई तक 5,32,000 केस हो जाएंगे। 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी।
और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना विस्फोट की यह टाइमलाइन डराने वाली है, क्योंकि अगर केजरीवाल सरकार का ये अनुमान सही है तो दिल्ली के लिए अगले 50 दिन बहुत भारी है। अगले 50 दिन में दिल्ली नहीं संभली तो यहाँ पर भी अमेरिका, इटली और स्पेन की तरह तबाही मच सकती है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ये विपदा इतनी बड़ी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी है, मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। हमारे काम में 100 कमियां रह सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत में और हमारी कोशिश में आपको कमी नजर नहीं आएगी। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, आप सरकार चला रहे हैं, आप विपक्ष में नहीं है। लोगों को डराइए मत, आप काम करिए। आप जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको ये बात पता है कि 5.5 लाख केस हो जाएंगे, आप जनता में बता रहे हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे? देश के दो बड़े शहर आज कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे हैं। जहां मुंबई में एकाएक मामले बढ़े थे, वहीं दिल्ली में लॉकडाउन में रियायतों के साथ कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी। हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया की जो नंबर्स फिगर्स हैं वो करीबन 4,000 पर मिलियन है, और दिल्ली में जो है 13,000 पर मिलियन है। सो टेस्ट हम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन अभी भी पूरे नहीं है, क्योंकि दिल्ली बड़ी डाइवर्स जो है, बहुत एक्टिव मूविंग पॉपुलेशन है। सो उस हिसाब से अभी और भी नंबर टेस्ट बढ़ाने चाहिए, और पॉजिटिविटी रेट भी अभी हमारा यहाँ पे दिल्ली में 12-13% से ऊपर है। सो नेशनल कम है। सो ऑल दीज पैरामीटर्स गिव यू कंपैरिजन बिटवीन नेशंस, बिटवीन कंट्रीज एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो, कि कौन से स्टेट में क्या चल रहा है। अब ये समझिए कि अगर वाकई दिल्ली में इतने मामले हुए तो तैयारी क्या है। दिल्ली के अस्पतालों में कुल 57,709 बेड हैं, जिनमें से करीब 15% कोविड-19 पेशेंट्स के लिए रिजर्व हैं। नर्सिंग होम के कोरोना आरक्षित बेड्स को जोड़कर भी आंकड़ा 10,000 से अधिक नहीं है। 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने दावा किया कि वो 30,000 मामलों से निपटने में सक्षम है। 18 मई को कहा 50,000 केस के लिए दिल्ली तैयार है। हालांकि अब भी ये मुश्किल लगता है। 12 जून तक दिल्ली में आधिकारिक तौर पर 9,535 बेड रहे, जिनमें 4,000 से अधिक खाली बताए गए। फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ये बताते हैं कि अस्पताल के बेड के अभाव में उनके अपनों की जाने गई हैं। बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा कल से परसों से, मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। सरकारी डेटा के अनुसार बुधवार तक हल्के सिम्टम्स के साथ लगभग 15,000 मरीज घर पर ही आइसोलेशन में थे। दिल्ली में टेस्टिंग को लेकर भी खूब सवाल उठे। दिल्ली में ICMR अप्रूव्ड 40 टेस्टिंग सेंटर हैं, पर टेस्ट में कठिनाई की बातें सामने आती रहती। हालांकि जब हमने सरकारी अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास किया तो समय मिलने में दिक्कत नहीं आई, पर टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आने में समय लगना और सरकारी कोविड अस्पतालों में लोगों की परेशानियों के किस्से आम हैं। आपकी माँ यहाँ पर भर्ती थी, क्या वो कोरोना पीड़ित थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता मेरे को, यहाँ पर सीरियस थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ लेके आए, 3 दिन हुए हैं भर्ती हुए। अच्छा। तो ICU में बता रहे हैं कि 5 नंबर फ्लोर पे तुम्हारी माँ ICU में। अब दोबारा मैं गया, मैंने कहा पता करके आओ गार्ड साहब से बोल के, तो वो यूँ कहते हैं कि मैं ऊपर नाम बताइए बता, मैंने लिख के ले गए। आधे घंटे बाद आया गार्ड, मुझसे कहता है कि डेथ हो गई। अच्छा, मैं ऐसा कैसे मान लूँ? ना बताया नहीं गया फोन मुझे, नहीं नहीं कुछ नहीं, ना घर पर गया ना कैसे गया, तो मुझे बताया नहीं गया। इनकी माँ को यहाँ एडमिट किया गया और बता रहे हैं कि बताया नहीं गया है और मृत्यु की बात अब बताई जा रही है, लेकिन काफ़ी देर से यहाँ पर ये परेशान घूम रहे हैं। आपका कौन एडमिट है यहाँ? हाँ जी, हमारा बच्चा था यहाँ पे, उसको हैटेक आया था, उसको कोरोना बता दिया। हमारी उस लड़के से बात हुई है,
कह रहा मुझे थोड़ी देर पहले सुई लगा दी, मैं बहुत तड़प रहा, मुझे ले जाओ यहाँ से, फोन करा बीबी को उसने अपनी, इन्होंने मार दिया डॉक्टरों ने। पर यहाँ तो सिर्फ कोरोना के इलाज होना था ना, पर उन्होंने कोरोना का नाम दे दिया, कोरोना नहीं था, उन्हें रिपोर्ट तक भी नहीं दी हम लोगों को। रात को मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकाल, ये लोग मुझे देख नहीं रहे, इनकी कंप्लेंट कर तू। 12 बजे डॉक्टर आते हैं, रात को फिर आते ही नहीं है देखने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली को देश की कोरोना राजधानी न बनने दें और इसके लिए जरूरी है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। अभी दिल्ली में 17 सरकारी लैब टेस्ट करते हैं जिनकी कुल क्षमता 2900 प्रतिदिन है। 23 प्राइवेट लैब हैं जिनकी कुल क्षमता 5700 टेस्ट प्रतिदिन है। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की तस्वीर जो है वो थोड़ी अलग है। जैसे कुछ केंद्र के अस्पताल हैं जहां पर कोरोना के लिए बेड्स हैं, जैसे दिल्ली सरकार के अपने अस्पताल हैं और इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल भी हैं। लेकिन इस सब के बीच मौत के आंकड़े को लेकर भी रस्साकशी शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने कुछ आंकड़ा दिया, उसका दोगुना आंकड़ा एमसीडी की तरफ से दे दिया गया और इसके साथ ही ये सवाल उठ गया कि क्या दिल्ली के भीतर कम से कम कम्युनिटी संक्रमण के हालात हैं और साथ ही देश के बाकी इलाकों में इस हिसाब से क्या स्थिति है। आईसीएमआर के अनुसार कोरोना वायरस फैलने के 4 स्टेज हैं, जिसका तीसरा स्टेज सामुदायिक संक्रमण यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। सामुदायिक संक्रमण एक ऐसी खतरनाक अवस्था है जिसमें संक्रमण स्थानीय स्तर पर संक्रमित हुए किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चेन की तरह तेजी से फैलता है। इसमें संक्रमित व्यक्ति को स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। फर्स्ट स्टेज होता है जब बाहर से ट्रांसमिशन आए, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में पहुंचे। सेकेंड स्टेज होता है जबकि किसी से जिसको हमें पता है उसके से दूसरे पे ट्रांसमिट हो। और ये जो तीसरा स्टेज है जबकि डिजीज सबसे ज्यादा बढ़ती है, वो है जबकि हमें पता नहीं कि अगर हमें परेशानी होती है, हमें कोविड होता है तो किससे हुआ है। हम कॉन्टैक्ट को नहीं ट्रेस कर पाते, हम इस सोर्स को नहीं ट्रेस कर पाते। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब यही है कि पेशेंट का सोर्स आपको पता नहीं लगता है, आपको सोर्स ही पता नहीं लगा तो ऐसा लगता है कि कम्युनिटी में इन्फेक्शन है ये। लेकिन हमारे देश में अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। अगर किसी को हो गया और वो उसको नहीं याद रहा है, उसने नहीं बताया, लोग बहुत स्टिग्मेटाइज होते हैं, लोग बताना नहीं चाहते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कह देना कि 50% लोगों का पता नहीं है हमें कहां से इन्फेक्शन आई है तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया। तो मेरे विचार से अभी जब तक आईसीएमआर अपनी स्टडीज के हिसाब से जो उन्होंने अभी 70 डिस्ट्रिक्ट में की है, सीरो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की है, वो दो स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन की उसी की एक पार्ट है, उनके हिसाब से जब परसेंटेज आपको मिलेगी कितने परसेंट लोगों में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वी आर इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन और नॉट। क्या भारत सामुदायिक संक्रमण के दौर में पहुंच चुका है? क्या कोरोना के आंकड़ों पर लगाम लगाना अब नामुमकिन हो जाएगा? कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब है कि आप कॉन्टैक्ट के पीछे मत भागो, एसिम्टोमेटिक आदमी का टेस्ट मत कराओ। आईसीएमआर की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है हॉट जोन्स में, वहां उन्होंने भी यही देखा है कि 15-30% लोगों के टेस्ट पॉजिटिव हैं। इस मिटिगेशन फेस में जब साइलेंट केसेस साइलेंट बीमारी करते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लोग सिम्टोमेटिक हैं वो सीरियस ना हो, उनका ऑक्सीजन ना गिरे और हम उनको मौत से बचा सकें। मेरा मानना है कि पीक जो है हरेक क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे भी आ सकता है। जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है या और एरियाज हैं, वहाँ पे जो केसेस हैं वो अपने लेवल अपने आप बढ़ेंगे, फिर आस्ता आस्ता कम होंगे। पूरे देश का जो पीक है वो फिर एक अलग कैलकुलेशन पे होगा। सामुदायिक संक्रमण का स्टेज है या नहीं यह बताने का अधिकार केंद्र सरकार को। हालांकि संकेतों में कई बातें कही जा रही, दिल्ली और मुंबई में रोज सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ ही दिनों में मरीज दोगुने हो रहे हैं, इन्फेक्शन की रफ्तार तेज है, अंदेशा है कि कुछ शहरों में शायद ये स्टेज आ चुकी है। तो हम पूरे देश की बात करें तो देश में तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, वहां पे लोकल कम्युनिटी ट्रांसमिशन या लोकल स्प्रेड होने के चांसेस है, क्योंकि तभी वहां पे इतने केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे एकदम जो है लोकल स्प्रेड हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि इसीलिए हमें वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है।
कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचाने के लिए सबसे कारगर उपाय लॉकडाउन है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति संक्रमण का स्रोत होगा वो घर के अंदर ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो घर के लोगों को संक्रमित करेगा और बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट होने से बच जाएंगे। लेकिन फिलहाल देश लॉकडाउन से बाहर आ चुका है और अधिकतर राज्य इसे दोबारा लागू करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी की भी चर्चा शुरू होती है। सर, ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी की अहमियत क्या है और उसको थोड़ा सा समझा कर भी आप दर्शकों को बताएं। हर्ड इम्यूनिटी जो है उसको अगर आप सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो एक कम्युनिटी मास्क है कि सब लोगों ने मास्क पहन लिया तो प्रोटेक्शन हो गई। सो इसमें क्या है कि काफी कुछ जो है, अगर ये वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है, इस वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए, इन्फेक्शन करने के लिए, इन्फेक्टिविटी के लिए इसको चाहिए ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स, जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है, ये उनसे बड़ी जल्दी से फैलते हैं, एक से दूसरे पे फैलता है अगर वो ससेप्टिबल है, और वो ससेप्टिबल तीसरे को फैलाता है और तीसरा चौथे को फैलाता है। अगर हमारी सोसाइटी में काफी लोग अगर इम्यून हो जाएं तो वो वायरस को वो ससेप्टिबल इंडिविजुअल मिलेगा ही नहीं, वो इन्फेक्शन मिलेगी ही नहीं, उसको इन्फेक्शन फैलेगी नहीं, उससे क्या है कि वो चेन ब्रेक हो जाएगी। सो इसका मतलब ये कि अगर आपकी सोसाइटी में 80% लोग इन्फेक्टेड हैं तो वो 80% बाकी के 20% को भी बचा रहे हैं। ये कंसेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। बहुत कम राज्य हैं जो इस पक्ष में हैं कि संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन को फिर से लगाना चाहिए, लेकिन अपने अपने स्तर पर बहुत सारे राज्य हैं जो नियंत्रण करना चाहते हैं। जैसे राजस्थान ने सोचा कि फिर से एक बार क्यों ना सीमाएं अपनी सील कर ली जाएं। गुजरात, बंगाल सब बेहाल हैं। कोरोना वायरस से गुजरात में कोहराम मचा हुआ है। यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा डरावना है, मृत्यु दर बहुत अधिक है। अहमदाबाद में संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और वो देश के कोरोना प्रभावित टॉप 10 शहरों में शामिल है। ये वेंटिलेटर बनाने का मिशन सक्सेसफुली हुआ है। मुझे आशा है कि गुजरात को तो शॉर्टेज नहीं रहेगा, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको भी यहाँ से वेंटिलेटर, कोरोना के मरीज पर जरूरी वेंटिलेटर यहां से वहां भी भेजे जाएंगे। राजस्थान में अचानक कोरोना संक्रमितों के बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर सीमा को एक बार फिर सील कर दिया है। कुछ रियायतें जरूर दी गई, लेकिन अब बिना अनुमति पत्र किसी को भी राजस्थान की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण गंभीर रूप लेता जा रहा है। यहां पर अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रभावित है कोलकाता। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से डरी ममता सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति देने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य असम है, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय और सिक्किम में भी केस बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से कई राज्य कुछ दिन पहले तक भी कोरोना मुक्त थे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के बाद बिहार में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये वो राज्य हैं जहां बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर पहुंचे थे। इन राज्यों में प्रवासी मजदूरों की वजह से कोरोना विस्फोट भी हुआ। प्रवासी मजदूरों की वजह से कोरोना के मामलों में 72% तक की बढ़ोतरी बताई गई थी। 4000 लोग कोरोना से के पॉजिटिव लोग मिले, जो 3 मई के बाद बाहर से जितने लोग आए, तो हम लोगों ने सबका ध्यान भी रखा है। और अब जो लोग भी आएंगे और कहीं भी होगा, अब जो लोग आ गए और दूसरे जगहों से आए लेकिन वो कोई रेड जोन से नहीं थे, तो उनको घर भेजा गया कि होम क्वारंटाइन में रहिए। और सबका जांच के लिए निरंतर पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर घर घर जा करके एक एक लोगों को देखा जाता है कि तबीयत तो कोई खराब नहीं है, अगर खराब होगा तो तुरंत जांच कराया जाएगा। और लोगों के बीच में सांकेतिक जांच भी कराया जाता है,
और जिसके आधार पर ये सब निकलता है, ताकि हमेशा इसके लिए देखा जाता है कि कहीं कोई इससे प्रभावित लोग न हो, दूसरे लोगों पर असर न पड़े। मध्य प्रदेश में रिकवरी दर बेहतर है, पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में हालात खराब हैं। दूसरी ओर उड़ीसा में भी तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। देश में सबसे अधिक रफ्तार से अगर कहीं पर कोरोना का संक्रमण फैला है तो वो राज्य है महाराष्ट्र, और सबसे अधिक जिस शहर में फैला है वो शहर है मुंबई। आखिर क्यों ऐसा है कि कुछ हिस्सों में संक्रमण की रफ्तार ज्यादा तेज रही है या फिर बेकाबू हो रही है? इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि जिस कारण से लॉकडाउन लगाया गया था, यानी कि आप तैयारियां कीजिए, फैसिलिटीज को बढ़ाइए, क्या राज्यों ने अपनी सुविधाएं उस हिसाब से बढ़ाई हैं? सपनों की नगरी मुंबई जैसे किसी बुरे ख्वाब से गुजर रही है। करीब 2.25 करोड़ की आबादी वाली हॉट डेस्टिनेशन कही जाने वाली मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर रह गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में मुंबई बड़े से बड़े शहरों को पीछे छोड़ रही है। ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं है हिंदुस्तान के लिए। दिल्ली और मुंबई मेट्रो सिटीज हैं, हाईली कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, और हमें इकोनॉमिक्स की वजह से, जिससे कि ज्यादा मौतें होनी शुरू हो गई थी कि इकोनॉमिक डेप्रिविएशन की वजह से हमें ये लॉकडाउन खोलना पड़ा, और हमें पता था कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो तकलीफ बढ़ेगी, डिजीज प्रोसेस बढ़ेंगे। मुंबई का देश का जो डेथ रेट है उससे कम है, महाराष्ट्र का डेथ रेट 3.6 है और देश का डेथ रेट 2.8 है, मुंबई का भी डेथ रेट उसी के दरमियान आया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डबलिंग रेट में भी अभी हम करीबन 30 दिन के हद तक हम गए हैं, 30 दिन के भी ऊपर हम गए, इसलिए जो डबल होने के लिए जो दिन लगते हैं उसमें भी हमने काफी अच्छी ये काम किया है। दुनिया में कोरोना के पहले केंद्र रहे वुहान में संक्रमण के कुल 50,340 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन मुंबई ने उसको पीछे छोड़ दिया। ताजा हालात ये है कि हर दिन अकेले मुंबई में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। समूचे महाराष्ट्र ने भी कोरोना संक्रमण के मामलों में चीन को पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस में से 50% से अधिक मामले अकेले मुंबई के हैं। मौतों के मामले में भी महाराष्ट्र और मुंबई लगभग इसी अनुपात में है। आप लोगों के माध्यम से मैं पूरी जनता को आह्वान कर रहा हूँ कि आज भी संकट गहरा है, संकट टला नहीं है, और जो माना जाता है कि कोरोना के साथ जीना होगा तो वो जीना हमें सीखना होगा। कृपा कर जब भी आप रास्ते पर घूमोगे तो एक दूसरे के बीच में अंतर रखना ही होगा, डिस्टेंस रखना ही होगा, और ये सावधानता जो है, जैसे मास्क लगाना, हाथ कहीं यहाँ वहाँ नहीं लगाना, मुंह पे हाथ नहीं लगाना, हाथ धोते रहना। मुंबई लॉकडाउन से अनलॉक हो गई, जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। हर तबके में इसकी घुसपैठ है। उद्धव कैबिनेट तक भी कोरोना पहुंच गया। केंद्र सरकार ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए 5 राज्यों को खतरे से आगाह किया है। अनुमान के हिसाब से दिल्ली में ICU बेड्स की कमी 3 जून से हो चुकी है, वेंटिलेटर की कमी 12 जून से, और ऑक्सीजन की सुविधा वाले आइसोलेशन बेड की कमी 25 जून से हो जाएगी। महाराष्ट्र में 8 अगस्त से ICU बेड की कमी हो जाएगी, वेंटिलेटर की कमी 27 जुलाई से। तमिलनाडु में ICU बेड और वेंटिलेटर की कमी 9 जुलाई से हो जाएगी। हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को भी मौजूदा ट्रेंड देखकर तैयारियां बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। गुरुग्राम, मुंबई, ठाणे, पालघर, जलगांव, चेन्नई और गौतम बुद्ध नगर समेत 17 जिलों को खबरदार किया गया है कि अगले 1 महीने में वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पड़ने वाली है। IIT मुंबई के 2 प्रोफेसर्स की एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक किसी संक्रमित व्यक्ति की खांसी से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स अगर सूखने में ज्यादा समय लेते हैं तो वो ज्यादा संक्रमण फैला सकते हैं।
इस लिहाज से संक्रमण फैलाने के लिए मुंबई के नमी वाले मौसम को दूसरे गर्म इलाकों के मौसम से ज्यादा खतरनाक माना गया। साथ ही घनी आबादी के कारण मुंबई में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसा कहा गया। मुंबई घनी आबादी वाला शहर है, जहां रहने के लिए जमीन कम है लेकिन बसने वाले लोग ज्यादा। दुनिया के दूसरे सबसे घनी आबादी वाले शहर में एक वर्ग किलोमीटर में करीब 20,000 लोग रहते हैं। ऐसे में अगर सावधानी न बरती जाए तो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण हो जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी। कोविड-19 को लेकर मुंबई की हालत दिल्ली से ज्यादा खराब है। हालांकि स्थिति दोनों ही महानगरों में नियंत्रण से बाहर है। कहीं अस्पतालों में एंट्री को लेकर सियासत है, कहीं मौत के आंकड़े को लेकर असमंजस। मुंबई में दिल्ली से कहीं अधिक केस भी हैं और मौतें भी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिल्ली में ज्यादा तेज हो गई है। जिन शहरों में संक्रमण की रफ्तार तेज हो रही है वहां पर यह भी चर्चा है कि अस्पतालों में कितने बेड्स हैं, मेडिकल स्टाफ क्या वहां पर पर्याप्त हैं। लेकिन इस सब के बीच दो तीन सवाल और हैं। संक्रमण के हिसाब से किसे अस्पताल में एडमिट होने की आवश्यकता है, किसका घर पर ही आइसोलेट करके काम चल सकता है, और अगर घर पर आइसोलेट किए जा रहे हैं तो किन चीजों का ख्याल रखना है, किस परिस्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के बीच रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवर करने वालों की संख्या कोरोना पीड़ितों से ज्यादा हो गई है। रिकवरी रेट 48% को पार कर चुका है। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि किस हद तक संक्रमित लोगों को अस्पताल जाना चाहिए, किसको घर में रहकर खुद को आइसोलेट करना चाहिए। ये 90% कहता हूँ जो कि घरों में ट्रीट हो सकते हैं, जो कि अगर एज लॉन्ग एज आइसोलेट कर सके आप, और घर में कोई दूसरा एल्डरली व्यक्ति ना हो जिसको इन्फेक्शन हो सके, घरों में लोग ट्रीट हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है खुद के लिए, जहां तक वो सब को तो एक ट्रेनिंग भी दे दी जाती है कि आइसोलेशन कैसे करना है, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, आपके जो केयर गिवर हैं किस तरह आपसे क्लोज ना आए, किस तरह खाना आपको प्रोवाइड कर सके, किस तरह दूर रह सके, पूरा घर आपको आइसोलेशन में रख सके, और उनको क्या क्या दवाइयां खानी है इस बीच में, इस सब की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिट्यूरेशन भी फास्ट होता है, और ये समझने की बात है कि जब घर में रहते हैं तो दो तीन चीजें, हार्ट रेट मेजरमेंट, सांस का मेजरमेंट, ऑक्सीजन सैचुरेशंस का जो पल्स ऑक्सीमीटर्स होते हैं उनका, उनसे ऑक्सीजन मेजरमेंट, क्योंकि देखा गया है कि ऑक्सीजन पहले गिरती है, पेशेंट को तो पता ही नहीं चलता कि उसका सांस फूल रहा है। जानकार कहते हैं कि अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो घबराने की जगह संयम से काम लीजिए। अगर आपको हल्का बुखार और कफ है और किसी दूसरी बीमारी का इतिहास नहीं है तो फौरन अस्पताल का रुख करने की जरूरत नहीं। कोविड हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं, उनको अपने लक्षण बता सकते हैं। साधारण खांसी बुखार में आप पहले ही अस्पतालों के इमरजेंसी रूम का रुख नहीं करते होंगे। जानकार इस बार भी ऐसा ही करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ राज्यों में कोरोना होने पर अस्पताल जाना अनिवार्य है, बाकी राज्यों में आप डॉक्टर से फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सलाह ले सकते हैं। घर पर खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, घर के दूसरे सदस्यों से दूरी बनाकर रख सकते हैं। मास्क लगाएं, गर्म पानी और काढ़े का सेवन करें, फ्रिज का पानी न पिएं। डॉक्टर ने अगर आपको खांसी बुखार की कोई दवा बताई है तो उसका सेवन करें। लेकिन अगर संक्रमण गंभीर है, यानी आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर आप डायबिटीज, दिल या किडनी की किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर आपको अस्थमा या फेफड़ों का कोई पुराना इन्फेक्शन है, तब अस्पताल जाने की जरूरत होगी। ऐसे में डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे कि आपको कहां और कैसा इलाज दिया जाना है। कोविड-19 की पूरी दुनिया में अभी तक कोई दवा विकसित नहीं हुई है, तो आखिर अस्पतालों में मरीजों का इलाज कैसे किया जा रहा है? जो लोग कोरोना संक्रमित थे वो कैसे ठीक होकर वापस लौट रहे हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऐसे लोगों का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ICMR ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं।
अलग अलग लक्षण वाले लोगों के इलाज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं और दवाओं की मात्रा को लेकर भी सख्त निर्देश हैं। अगर ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव ज्यादा है तो इंट्रावीनस ड्रिप लगाई जा रही है। अगर किसी मरीज को डायरिया हुआ है तो उसको तरल पदार्थ दिए जा रहे हैं। गंभीर निमोनिया होने पर आईसीयू में भर्ती किया जा रहा है। ऑक्सीजन दी जा रही है, जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को आइसोलेट करके रखा जाता है ताकि उनके जरिए किसी और तक ये संक्रमण न पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजेशन और इम्यून सिस्टम अच्छा होने पर लोग रिकवर कर रहे हैं। जहां तक दवाओं का सवाल है, कौन सी दवा किस मरीज पर इस्तेमाल की जानी है, इसके लिए हर अस्पताल के पास सख्त निर्देश हैं। डॉक्टर किसी भी मरीज को अपने मन मुताबिक दवाएं नहीं दे रहे। मोस्ट ऑफ द रेजिम्स जो अभी एग्जिस्ट करती हैं, माइल्डर स्टेजेस में क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। एज वन गोज अगेन टू मोर सीरियस सिचुएशन, या सीरियस बनती है तो कई ऐसी दवाई हैं, एंटीवायरल थेरेपीज हैं जो कि ट्राई आउट हो रही हैं, जो कि दी जाती हैं, और रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जो कि हिंदुस्तान में अब DCGI ने भी एज इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है और विद इन अ फ्यू डेज ही हिंदुस्तान में अवेलेबल होगी। इवन जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा है, इम्यूनोग्लोबुलिंस हैं, वो ट्रायल्स में हैं और वो कुछ सेंटर्स में वो ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें वो दिया जाता है। कोरोना के उपचार के लिए अभी कोई दवा मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ पर रिसर्च जरूर चल रहा है। इसके अलावा एलोपैथी, होम्योपैथी और साथ में आयुर्वेद की कुछ दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल बचाव के लिए किया जा रहा है। पूरी दुनिया में COVID-19 की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन उसकी तलाश लगातार चल रही है। भारत में कोरोना वायरस की दवाओं को लेकर 3 स्तर पर रिसर्च चल रही है। वैसे तो माइल्ड सिम्टम्स वालों और एसिम्प्टोमेटिक लोगों को पैरासिटामोल के अलावा ज्यादा दवाएं नहीं दी जा रही, लेकिन 7 अलग अलग दवाओं पर प्रयोग चल रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर दुनिया में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए इसके इस्तेमाल को मना कर दिया, लेकिन फिर रिसर्चर्स के इनकार करने से WHO भी पीछे हट गया। ICMR HCQ की हल्की डोज देने की सलाह देता है। फैविपिराविर एक एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है जिसको हल्के लक्षण वालों से लेकर गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों को दिया जा रहा है। हालांकि ये दवा आसानी से उपलब्ध नहीं है। देश के 10 अस्पतालों को इस ड्रग के फेज 3 ट्रायल के लिए चुना गया है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो 2014 में इबोला के इलाज के लिए बनाई गई थी। ये एक संभावित कोविड इलाज हो सकता है जिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन गंभीरता से काम कर रहा है। भारत में डॉक्टर इसको गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को दे रहे हैं। इन प्रमुख दवाओं के अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल होने वाली टोसिलुजुमाब, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली डॉक्सीसाइक्लिन, एंटी पैरासाइट ड्रग आइवरमेक्टिन, HIV में इस्तेमाल होने वाली रिटोनावीर और लोपिनावीर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में प्रयोग में आने वाली आइटोलिजुमाब जैसी दवाएं भी मरीजों को देकर उन पर निगरानी रखी जा रही है। कोरोना के इलाज में दवा की खोज के लिए पहली बार आयुर्वेद और एलोपैथ एक साथ काम करेंगे। इनके जरिए 2 तरह की दवाएं बनाने की कोशिश है, उपचार वाली और प्रतिरोधक। इलाज के लिए आयुष 64, ज्येष्ठमाधा, पिंपली और गुलवेल पर काम किया जा रहा है, जबकि प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर अश्वगंधा पर रिसर्च की जा रही है। हाल ही में IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अश्वगंधा पर मिलकर शोध किया। शोध के स्तर पर ही सही, लेकिन आयुष मंत्रालय ने हाल ही में सभी प्रदेशों को COVID-19 के इलाज में पारंपरिक होम्योपैथी दवा आर्सेनिक एल्बम 30 के उपयोग की सलाह दी थी। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फोरा 1M को भी कोविड के खिलाफ एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर देखा जा रहा है, जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। इसी तरह सर्दी खांसी होने पर होम्योपैथी की ब्रायोनिया, एल्बा, बेलाडोना, जलसेमियम जैसी दवाएं कारगर हो सकती हैं। जब तक कोई दवा विकसित न हो जाए तब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारा बचाव है और इसी का पालन सब लोगों को करना होगा।